फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो है एक जिम्मेदार, समझदार और होशियार बेटी कैसे बने। मैंने एक वीडियो बनाई थी एक अच्छी बेटी कैसे बने, उस पर मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मिले हैं और एक कमेंट्स आया है कि मैम प्लीज़ इस टाइप की और वीडियो बनाओ ना, अच्छी बेटी वाली। तो मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो मेरी देश की तमाम बेटियों के नाम। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो है, मेरा इंटेंशन है बनाने का कि जो टीनेजर बेटियां हैं वो जिम्मेदार कैसे बने, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कैसे सीखे, और एक अच्छी बेटी और समझदार बेटी, होशियार बेटी कैसे बने, कैसे कहलाएं घर में, सबकी चहेती और अच्छी बेटी कैसे सबका ट्रस्ट जीतें और सबकी प्यारी बन जाएं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो पहला मेरा पॉइंट्स है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप एक समझदार और होशियार बेटी बनना चाहती हैं तो आपको अपना ख्याल खुद रखना होगा। कहने का मतलब आप अपने हेल्थ का, एजुकेशन का और अपनी चीज़ों का, जो आपकी चीज़ें हैं, आपके ड्रेस हैं, स्कूल यूनिफॉर्म हुआ, या आपके जो ड्रेस हुए पार्टी वेयर ड्रेस, या घर में पहनने वाला ड्रेस, या आपके शूज़ हुए, या आपके स्वेटर हुए, मतलब आपकी जो भी एजुकेशन से रिलेटिव चीज़ें हैं, आपकी जो भी चीज़ें हैं, उसका ख्याल आप खुद रखें। और अपना ख्याल, अपने हेल्थ का ख्याल, अपने पर्सनल हाइजेनिक का ख्याल, अपने कपड़ों का ख्याल, जैसे कि बहुत सारी बेटियां हैं आजकल ये देखने सुनने को मिलता है, बहुत आम बात है कि मम्मी मैं बाहर जा रही हूँ, मेरा ड्रेस धो देना प्लीज़, या मम्मी मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, प्लीज़ एक गिलास पानी ला देना। तो ये क्या है, आपको प्यास लगी है, आपको पानी पीनी है तो खुद लेकर पी लेनी चाहिए, लेकिन नहीं, आप मोबाइल में बिजी हो और आवाज़ मम्मी को लगा रही हो। तो इस तरह से आप अपना ख्याल खुद रखो, आपको खुद पता होना चाहिए कि मुझे दिन भर में कितनी पानी पीनी है और कितने टाइम पे हमको खाना है। मम्मी आवाज़ लगाएगी, बेटा खा लो बेटी खा लो, तब आप कहीं जाके खाते हो। तो ऐसा नहीं है, आपको अपना ख्याल खुद रखना है तो आपको खुद निकाल कर खा लेना है टाइम से, और दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि एक जिम्मेदार बेटी जो होती है, अपना ख्याल रखने के साथ साथ अपने परिवार के और जो सदस्य हैं, पापा का, मम्मी का भी ख्याल रखती है। तो इस तरह से आप एक जिम्मेदार बेटी बन सकती हैं। सेकंड पॉइंट्स है, लर्न टू टेक केयर ऑफ स्मॉल हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कहने का मतलब है कि घर की जो छोटी छोटी जिम्मेदारियों को लेना सीखें। छोटी छोटी जिम्मेदारी मतलब क्या, जैसे कि मान लेते हैं ऐसे रेगुलर तो मम्मी घर का सारा काम कर ही लेती है, आपकी मदर, और आपको मतलब वो परेशान नहीं करती कि मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है या कुछ कोर्स कर रही है, या बेटी है तो कहाँ मैके में ही अच्छे से रहेगी। तो इस तरह से आपके प्रति उनका प्यार है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटी छोटी काम भी खुद से नहीं कर सकती हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई पर्व त्यौहार है या कोई गेस्ट घर में आ गए हैं, मेहमान हैं, तो आपको उस समय अपनी माँ का हेल्प ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो मेहमान आएंगे वो कहेंगे कि बेटी में कितना संस्कार है, देखो अपनी मम्मी की कितनी हेल्प करती है, और एक आपकी मम्मी भी खुश रहेगी। तो इस तरह से आपको अपनी मम्मी का हेल्प करना चाहिए। और जैसे कि मान लेते हैं कि आजकल की जितनी बेटियां हैं पढ़ी लिखी समझदार होती हैं और होशियार भी होती है, उन्हें मोबाइल चलाना अच्छी तरीके से आता है, तो अगर आपकी मम्मी को नहीं आता है स्मार्टफोन हैंडल करना चलाना, तो आपको अपनी मम्मी को सिखाना चाहिए कि मम्मी आपको ऐसे स्मार्टफोन में व्हाट्सएप बनाना है, ऐसे करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उस समय नहीं थी लेकिन अब है और आप जानते हो। तो आपको भी अपने पेरेंट्स का हेल्प करना चाहिए, खासकर अपनी मम्मी को नहीं आता है तो सिखाना चाहिए, या कोई भी नॉलेज जो आपके पास है तो मम्मी के साथ शेयर करनी चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा ना कि आप एक घर की छोटी छोटी जिम्मेदारियों को ले रही हैं, इस तरह से एक आप एक जिम्मेदार बेटी बनिएगा, होशियार बेटी बनिएगा, मतलब कि आप पे ट्रस्ट होगा मम्मी को कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है। जैसे मान लेते हैं एक छोटी सी घटना का मैं जिक्र कर देती हूँ कि मम्मी आपको
मेहमान आए हैं तो कुछ मिक्सचर बिस्कुट लाने को कह रहे हैं या कुछ खाने की चीज़ें मिठाइयाँ, तो आपकी आप पर आपकी मम्मी को ट्रस्ट होना चाहिए कि मेरी बेटी बहुत होशियार है, समझदार है, ये अच्छी मिठाइयाँ ही लेकर आएगी, तो इस तरह का या पैसे नहीं खाएगी, वो पैसा जो है पूरा जो भी सामान लाएगी उसमें से जो बचेगा वो मेरे हाथों में ही देगी। तो इस तरह से आप छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं कि आप पे पेरेंट्स ट्रस्ट कर सके। ऐसा ना हो कि आप दुकान जाएं और पैसे कम पैसे में मिठाई लेकर आ जाएं, सस्ती वाली मिठाई, या फिर मिठाई लेकर ही ना आए, पैसे गुम करके आ जाएं, या पैसे बचे तो खुद रख ले। तो ये सब जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गलत आदतें हैं, तो आपको ये गलत आदतें छोड़नी चाहिए। घर की छोटी छोटी जिम्मेदारी जो है, छोटे छोटे काम जो है, अपने कपड़े सहेज के रखना, फिर मम्मी मार्केट से आई तो एक गिलास पानी देना, या पापा दफ्तर से आते हैं तो उनको एक गिलास पानी देना, अगर मम्मी कुछ वर्क कर रही है घर में नहीं है तो उसमें पापा को कुछ नाश्ता दे देना, चाय बना कर दे देना। तो आजकल की बेटियाँ एक कप चाय भी बना के अपने पापा को हाथों से दे देती है ना, तो पापा का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आप एक होशियार बेटी तो बस ऐसे ही बन जाओगी। तो कम से कम आप थोड़ा सा अपने पापा का भी केयर करें, जब मम्मी नहीं है या है भी तो बिजी हैं, तो आप एक कप चाय पापा को बना के दें, ग्लास पानी दें, और पापा से अच्छे से बात करें, उनका रिस्पेक्ट करें। इतना ही एक जिम्मेदार बेटी और समझदार बेटी बनने के लिए बहुत हो जाता है। तो ऐसा कुछ आपको करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट से थर्ड पॉइंट से अंडरस्टैंड योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को समझना चाहिए। एक समझदार बेटी जो होती है वो अपने पेरेंट्स को समझती है कि मेरे पेरेंट्स की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, फिर मेरे पेरेंट्स कितने मेहनत से इनकम करते हैं, और पैसा का क्या वैल्यू है, और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, कैसे हमारा ख्याल करते हैं। तो पेरेंट्स की का जो दर्द होता है, जो हमारे लिए वो इतना, मम्मी हमारे लिए इतना कुछ करती है, हमारे लिए खाना बनाती, हमारा बीमार पड़ते हैं तो ख्याल रखती है, और हम पे मतलब हमारे एजुकेशन को लेके, हमारे फ्यूचर को लेके चिंतित रहती है, वर्क करती है हम पे, तो ये सारी जो बातें हैं ये समझनी चाहिए। एक अच्छी बेटी है, समझदार बेटी आप बनना चाहती हैं, होशियार बेटी, तो आप अपने पेरेंट्स से, माता पिता दोनों की बातों को, उनके दिमाग को, मतलब उनके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाए, उन्हें समझने की कोशिश करें। जो बेटी अपने पेरेंट्स को समझ जाती हो वो फिजूल खर्ची नहीं कराती अपने पेरेंट्स से, और अननेसेसरी डिमांड भी नहीं करती। जैसे आपके पास बहुत सारा ड्रेस है, कबर्ड में पड़ा हुआ है, गोदरेज में भरा हुआ है, तो आप समझदार हैं तो नहीं पापा इस बार दुर्गा पूजा पे रहने दो, आप मेरे पास बहुत ड्रेस है, मैं कोई भी पहन लूँगी। तो अगर आपके पापा का बजट होगा तो आपके लिए मना करने पे भी ज़रूर ड्रेस लेकर आपको देंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो इस तरह से आपको समझना चाहिए, समझना होगा परिस्थिति को, क्योंकि अब आप टीनेजर बेटियाँ हो गई, समझदार हो गई, तो थोड़ा सा आपको मेच्योर बनना होगा, समझना होगा अपने पेरेंट्स की स्थिति को, अपने घर की स्थिति को, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो इस तरह से आप एक समझदार बेटी, होशियार बेटी और जिम्मेदार बेटी बन सकती हैं। फोर पॉइंट से टेक पेरेंट्स वर्ड्स सीरियसली, मतलब अपने पेरेंट्स की बातों को सीरियसली लें। जैसे कि मम्मी कहते रहती है पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ो अभी पढ़ो, सुबह पढ़ो शाम पढ़ो, तो पढ़ाई करने बोलती है, या आपको किसी अजनबी से बात करने के लिए मना करती है, ज़्यादा देर घर से बाहर रहने के लिए मना करती है, डिसिप्लिन मेंटेन करने बोलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको माननी चाहिए, अपने पेरेंट्स की बातों को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स की बात नहीं मानते हैं और हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है, तब हम पछताते हैं कि क्यों नहीं हम अपनी पेरेंट्स की बात माने, अगर मम्मी बोल रही थी तो हमें मानना चाहिए था ना, मम्मी नहीं जाने बाहर बोल रही थी तो नहीं जाना चाहिए था। तो इस तरह से बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं कि पेरेंट्स को पहले से अंदेशा होता है, क्योंकि पेरेंट्स
का अनुभव होता है। तो इसलिए आपको पेरेंट्स की बातों को सीरियसली लेनी चाहिए। काश मैंने अगर एक सप्ताह पहले एग्ज़ाम के पहले पढ़ाई की होती तो आज मेरा रिजल्ट अच्छा होता, मुझे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता, तो मैंने दोस्तों से थोड़ी कम दोस्ती रखी होती, अपने पढ़ाई पर फोकस करती, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती तो आज मेरे घर में खुशहाली रहती, मेरे छोटे भाई बहन मेरा रिस्पेक्ट करते। क्योंकि एक बार आपसे कोई गलती हो जाती है तो फिर आपके पीछे छोटे भाई बहन भी हैं ना, वो आपसे सीखते हैं। तो पेरेंट्स अगर कहते हैं आप बड़े हो गए हो, बचपना छोड़ो, तो छोड़नी चाहिए। ये नहीं कि आपको बड़ी हो गई हैं तो आपको अपने छोटे भाई बहन को संभालने की जगह छोटे भाई बहन को चींटी काट रही हैं, उन्हें रुला रही हैं, परेशान कर रही हैं, मम्मी उधर काम में व्यस्त है, काम छोड़ छोड़ कर आके आपको डांट रही है। तो आपको थोड़ा सा मतलब कि आपकी वजह से घर में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये समझदारी होती है कि आप अपने पेरेंट्स का हेल्प करो, ना कि काम को और बढ़ाओ। तो अगर पेरेंट्स कोई बात कहते हैं तो उनकी बातों को सीरियसली लो। कहते हैं कि छोटों को परेशान मत करो तो आपको नहीं करनी चाहिए, पढ़ने को कहते हैं तो पढ़ना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। तो इस तरह से आप एक अच्छी और समझदार और जिम्मेदार बेटी बन सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट से 5 पॉइंट से कि गिव वैल्यू टू पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को आप वैल्यू दें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पापा कुछ कहते हैं या मम्मी कुछ कहती है तो बेटी जो है वो वैल्यू नहीं देती है। ऐसे बोलती है कि अब तुम टीनेजर हो गई, बड़ी हो गई, तो तुम्हें बड़ों से ऐसे बात करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो बस मम्मी तुम रहने दो ना, हमेशा तो मुझे ही सिखाती हो, कभी भाई को भी सिखा दिया करो, या तुम ऐसे कपड़े पहनो तो फिर हो गया मम्मी। या मम्मी कहती हो बेटी थोड़ा सा किचन में बेसिन में बर्तन है पहले थोड़ा दो चार धो देना, तो फिर आपको मतलब कि आप सुनते ही नहीं हो। मतलब मम्मी का तो ये रोज़ का है, डेली बोलते रहती है। या पढ़ाई टाइम से कर लेना, घर जल्दी आ जाना, तो अपना ख्याल रखना, तो नहीं, पेरेंट्स ऐसे ही नहीं बोलते रहते हैं। उनका आपको अच्छी चीज़ें सिखाने की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको वो रिस्पॉन्सिबल बेटी बनाना चाहते हैं, एक अच्छी बेटी बनाना चाहते हैं, जिम्मेदार समझदार बेटी बनाना चाहते हैं। इसलिए आपको बोलते हैं कि आप छोटी छोटी चीज़ों को सीखें समझें और लाइफ में जीना सीख जाएं, रहना सीख जाएं, इसलिए बोलते हैं। तो पेरेंट्स को वैल्यू देना, रिस्पेक्ट देना, ये नहीं कि मम्मी कुछ बोल रही है तो उनसे आप फिर बहस करने लगें और उनको जवाब देने लगे उल्टा, तो नहीं, ऐसा नहीं। पेरेंट्स को रिस्पेक्ट और वैल्यू देनी चाहिए क्योंकि वो आपके पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं। तो पापा हो, पापा अगर ऑफिस से थके आ रहे आते हैं तो उनकी हेल्प करें। तो पेरेंट्स और माता पिता की दोनों की आपको वैल्यू देनी चाहिए क्योंकि जो पेरेंट्स की वैल्यू देते हैं वही आगे चलकर वैल्यू पाते हैं समाज में, देश में। इसलिए अपने पेरेंट्स की वैल्यू करें, ज़रूर करें, चाहे पेरेंट्स पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन वो आपके माता पिता हैं तो आपको उनको वैल्यू देनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, और सारी देश की बेटियाँ एक रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बेटी, समझदार बेटी, अच्छी बेटी ज़रूर बने।